गाइस गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो कल मैं शाम को यहाँ डेहराडून में पहुँच चुका था और आज मैं करने जा रहा हूँ अपने लाइफ का पहला ट्रैक जो कि है दयारा बुग्याल ट्रैक। और कल मैं शाम को जैसे यहाँ पे पहुँचा तो मेरे ट्रैक के जो टीममेट्स हैं उसमें से दो लोग मुझे यहाँ इसी होटल में मिल गए। तो मैं उनके साथ यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था और मैंने छोले कुलचे मंगाए थे। वो खाना जो था वो बहुत लजीज था, स्पेशली वो जो रायता था। तो मैं खाना खा के वापस रूम में आया और मस्त मैंने एक नींद ली। तो अभी बजे सुबह के 6 और हम यहाँ से 6:30 बजे निकलने वाले हैं। तो अभी मैंने सब शॉवर वगैरह फिर से ले लिया है, बैग्स मेरे रेडी है। तो अभी थोड़ी देर में और रेस्ट करूँगा, फिर जैसे ही उनका फ़ोन आता है मैं यहाँ से चेकआउट कर लूँगा। तो ये जो ट्रैक है वो एक्चुअली 4 दिन का ट्रैक है और एक दिन आने और एक दिन जाने का, इससे मिला के टोटल 6 दिनों का ट्रैक है। लेकिन ये 6 दिनों का ट्रैक मैं एक ही वीडियो में बनाऊँगा और वो वीडियो भी काफ़ी छोटा हो सकता है क्योंकि वहाँ पहाड़ों में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं होता। तो इसलिए मुझे फ़ोन पे फ़ोटोज़ भी निकालने हैं, तो इसलिए बैटरी बचा के रखनी पड़ेगी। एक पावर बैंक मैंने ले लिया है, फिर भी एक ही वीडियो में बनाऊंगा। तो हम सुबह के 7 बजे हमारे होटल से निकल चुके थे और अभी लगभग 1:30 बज चुके हैं। सिर्फ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, अभी लंच के लिए रुके हुए हैं और फिर भी अभी 30 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। और ये कुछ ऐसे व्यूज़ दिख रहे हैं। फाइनली 8 घंटे के बाद हम अपने रैथल के कैंप साइट पर पहुँच चुके हैं और ये रहे यहाँ के नज़ारे। तो अभी अभी उन ट्रैक लीडर्स ने हमें हमारे ट्रैक की ब्रीफिंग दी और कैसा है, क्या टेंट होता है और ये उनके कुछ इनिशिएटिव्स है उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। ये जो दो टेंट्स आपको दिख रहे हैं वो हमारे ट्रैक लीडर के हैं और ये दो जो है वो हमारे हैं। तो राइट नाउ यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री है, तो इसलिए ठंड भी नहीं लग रही। और यहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेंस है लेकिन बादल की वजह से दिख नहीं रहे होंगे। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो उनका स्टोर है जिसमें से आपने अगर कुछ रेंटल ले रखा है तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी है, उनको आप ख़रीदना चाहते हो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। उसके नीचे जो है वो एक किचन है। For the next 3-4 days, you try to live a minimalistic lifestyle because this is something that is a luxury for all of you in the cities. Because in the cities, we have a lot of distractions. In one touch, you can get everything just delivered at your home, right? You don't have to even go outside. So we have a lot of convenience here. Life here in the mountains, it's very difficult. You need a lot of sacrifice. You need to give a lot of sacrifice. Then only you will be able to survive here. My idea is to give you just a glimpse of that. So for the next 4 days, I give you a challenge that try to survive without packaged food. Let's see. I know it is not easy. It will be very, very difficult. But just remember that you are not alone. All of us are in this journey together. If at any point you are feeling any difficulty, come, let's have a conversation. We will talk about it and we will try to find some solutions. Because if I tell you that I am fully sustainable, that is a lie. There are months in which I do not generate any waste and there are months in which I generate more waste than all of you together, combined together. So it is a journey. Sustainability is a journey and the only alternative to battling this problem that you're facing of landfills and all this waste is that we need to find alternatives. We need to get more awareness about it. We need to be more knowledgeable about it. So with this approach, we will go and try to climb this mountain. Okay, right? Yeah.
Excited for this? Yes. बढ़िया. So anything else you would like to add? ठीक है. So yeah, we'll start with the backpacking. Any other doubts you have? Guys, अभी जो हमारी कल के ट्रैक की सारी ब्रीफिंग थी वो हो चुकी है और ये रहा हमारा आज का टेंट. यहीं पर हम सोने वाले हैं. तो अभी लगभग 5 डिग्री है और बहुत ठंड लग रही है. अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है. तो वो आज है हमारा ट्रैक का पहला दिन, मतलब टेक्निकली दूसरा दिन है क्योंकि हम कल देहरादून से यहाँ जो आए थे वो एक्चुअली पहला दिन था. तो अभी सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है आज और 4 किलोमीटर करना है. पर अभी अभी सांस फूल रही है. ये देख सकते हो आप, पहाड़ है, बहुत मस्त लग रहे है. ज़्यादा आता है या फिर जहाँ पे सॉरी नॉट एवलांच, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि जो ग्राउंड है ग्राउंड को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है. तो वहाँ पे इनक्रेज करा जाता है कि ओक ट्रीज को उगाया जाए. तो गाइस फाइनली अभी हमें स्नो दिखना शुरू हो चुका है. बहुत फटती है. मैंने इससे पहले कभी भी कुछ भी एक भी ट्रैक नहीं किया था इसलिए बहुत ज़्यादा फट रही. अगर वो बीच से खुल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, आपको फिर पूरा जो है निकालना पड़ेगा. वो जो फंस जाता पूरा जो पुल कर रहा है उसको पुल करने दो. तो फाइनली हम लोअर गुई में पहुंच चुके हैं जो कि हमारा पहला कैंप होगा. मतलब इस 4 दिन की ट्रैक का वो पहला कैंप है. आज यहीं पे हम रुकने वाले हैं. तो अभी अभी हमने सारे टेंट्स लगाए और खाना भी खाया और अभी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ. ये आप आवाज़ सुन सकते हो. और ये मेरा स्पेशल टेंट है. मतलब हमारे जो ग्रुप का एक मेंबर आने वाला था वो कैंसिल हो गया इसलिए ये पूरा अलग से टेंट मुझे मिला है. बाकी लोगों के लिए शेयरिंग टेंट्स हैं. तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर स्नोफॉल एंजॉय करेंगे. मैं आपको भी दिखाऊंगा. तो आज हम लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक था हमारा और बहुत ऐसे स्टीप था, मतलब बहुत चढ़ाई करनी पड़ी और वो पत्थर वत्थर भी बहुत थे. तो वो 5 किलोमीटर जो थे वो 20-25 किलोमीटर जितना लग रहा था पर फिर भी हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं. गाइस तो ये है हमारे सुबह सुबह के कैंपिंग के नज़ारे और आज जा रहे हैं हम लोअर गुई से चिलपाड़ा. अभी हम लोअर गुई में है जो कि लगभग 2500 मीटर पे है. तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा फ़ोन ठंड की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है. मतलब लगभग अभी 10% ही बैटरी बच चुकी है और पावर बैंक तो ले लिया है मैंने पर फिर भी अगर पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो चुका होगा तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा. तो इसीलिए आज का दिन का मैं यहीं पे सब बता रहा हूँ. तो गाइज़ अभी हम गुई से चिलापाड़ा के लिए निकलने वाले. ये सब हमने पैक करके रख दिए. तो आज बर्फीली सड़क होने वाली है इसलिए हमने अपने शूज़ में स्पाइक्स भी डाल रखे. तो आज का ट्रैक जो है वो कल से थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है तो ये एक अच्छी बात है. तो हम सब पैक कर चुके हैं, अब ट्रैक के लिए निकलते हैं. सो मैंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया है वापस और हम सुबह 9 बजे लोअर गुई से निकले थे. फिर हमने अपर गुई पे जाके थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए और 2-3 घंटे के बाद हम चिलापाड़ा पहुँच चुके. और ये हमारी कैंप साइट है अभी चिलापाड़ा की और यहाँ पे आप स्नो देख सकते हैं. आज की जो ट्रेल थी वो मोस्टली स्नो रीजन से ही थी, मतलब ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी थी. पर जब भी जो भी हमारी ट्रेल थी वो पूरे से स्नो में थी तो कभी कभी पैर अंदर वगैरह फंस रहे थे इसलिए हमें 2-2.5 किलोमीटर कवर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग चुके हैं. और फाइनली कल हमारा समिट डे है. अभी हम 10,000 फीट पे हैं और कल हमें और 1,000 फीट ऊपर चढ़ना है. तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड गेन होता है वैसे वैसे सांस लेने में दिक्कत होती है. और यहाँ ऊपर तक आने के लिए एक ऑफ लोडिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है. उसका मतलब आपका जितना सामान होता है वो घोड़े पे या
खच्चर पे लगा के ऊपर लाया जाता है, पर मैंने वो नहीं किया क्योंकि अगर ट्रैक करना ही है तो सब सामान लेके ही करें, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं लगभग 10 किलो कैरी कर रहा हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि मेरा जो मेन रक्सैक है वो ही 7.5 किलो का है, और जो मेरी कैमरा की बैग वगैरह है वो भी 2.5 किलो की होगी। तो इसलिए शोल्डर में काफ़ी पेन होता है अगर आप यहाँ पे आते और फर्स्ट टाइम ट्रैक करें, तो ये बात ध्यान रखिए कि या तो ऑफ लोडिंग करें या फिर सामान जितना कम ला सकते उतना लाए। उतर पुलिस के नहीं नहीं पुलिस राजा सिपाही तो गाइस अभी हम अपने समिट के लिए निकल चुके हैं, आधा घंटा लेट है पर फिर भी चलेगा। और ये देखिए कितनी बर्फ है, बर्फ में चलना तो काफ़ी मुश्किल है। और आज तो 4 किलोमीटर चढ़ना है और 4 किलोमीटर उतरना है। तो गाइस धीरे धीरे हम समिट के तरफ जा रहे हैं। वो जो वहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है वो है हमारा समिट। तो यहाँ बर्फ पे चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इट्स टू डिफिकल्ट। सो गाइस फाइनली हम समिट पे पहुँच चुके हैं, बस इतना ही दूर है और काफ्स की और क्वाड्स की वाट लग चुकी है, पर ऐसे नज़ारों के लिए वाट लगा सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ बिल्कुल गलत था, ये हमारी समिट नहीं है, वहाँ आगे है। तो अभी और चल रहा है, तो मैं आपसे मिलूंगा वहाँ समिट पे पहुँचने के बाद। सो गाइस आज है हमारे ट्रैक का लास्ट डे और ये अभी हमारी पैकिंग चल रही है। थोड़ी देर में हम यहाँ से मतलब चिलपाड़ा से रैथल जो हमारा बेस कैंप था वहाँ पे निकलने वाले हैं। धन्यवाद। तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ट्रैक कैसा रहा, टीम के साथ कैसा रहा, आपको कैसा लगा? छोटी टीम थी तो ज़्यादा आई होप ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ, बट आप अगर थोड़ा सा बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आप लोगों का टीम वर्क भी अच्छा था, जिस हिसाब से आप लोग दो जैसे फर्स्ट कैंप साइड गई में काफ़ी। तो अभी हम अपने रैथल के बेस कैंप पे वापस आ चुके हैं, हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है और घुटनों की और क्वाड्स की पूरी बैंड बजी हुई है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। ओके गाइस तो फाइनली वो टाइम आ चुका है रैथल के इस ब्यूटीफुल कैंपस को बाय बाय बोलने का, क्योंकि हम अभी देहरादून निकलने वाले हैं और हम यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेके जाने वाले हैं। तो ये मेरा पहला ट्रिक था और ये काफ़ी यादगार रहेगा, एंड ऑल थैंक्स टू इंडिया हाइक्स फॉर गिविंग अस लीडर्स लाइक अभिषेक भैया एंड यशिका, आल्सो आदेश भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं थैंक यू फॉर गाइडिंग अस थ्रू स्नो एंड थ्रू फॉरेस्ट, एंड आल्सो मनीष भैया एंड कुलदीप भैया थैंक यू, आप बहुत अच्छे शेफ्स हो, हमें 4-5 दिन बहुत बढ़िया खाना खिलाया आपने, थैंक यू सो मच।